हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। अब आपको हम बताएंगे 1 मिनट में सारणी का मान कैसे ज्ञात करें। पहले हम ऊपर तो कोणों की मान रख लेते हैं और बगल में अनुपात। तो साइन का अनुपात ज्ञात करने के लिए पहली ट्रिक है 0, 12, 12, 32, 1। यहाँ 12 और 32 का मतलब है एक को ऊपर और दो को नीचे, और 3 को ऊपर और दो को नीचे। और इसका अंडररूट लगाने का ट्रिक है 30 और 60 में, तो 30 और 60 में जहां भी आपको 3 देखे वहां अंडररूट लगाना है, और 45 में 2 की। अब कोस की बात करते हैं। कोस में साइन का उल्टा होता है, जैसे इसका है 0, 12, 12, 32, 1, तो इसको उल्टा लिखेंगे 1, 32, 12, 12, 0। तो लिखते हैं 1, 32, 12, 12, 0। वही इसका रूल रहेगा। इसमें भी 30 और 60 में 3 के जहां दिखे वो अंडर रूट इसमें नहीं है, और 45 में 2 के अंडर रूट। अब बात करते हैं हम 10 की। 10 का है 0, 13, 1, 3, अनंत, इन्फाइनेट। वही इसके अंडर रूट की बात करते हैं 30 और 60 में 3 के और 45 में 2 के, वो है ही नहीं है। तो कोट की बात करते हैं, इसका उल्टा कोट हो जाएगा। तो अनंत 3, 1, 13, 0। तो 60 में 3 के अंडर रूट और 30 में 3 के अंडर रूट, 45 में 2 है ही नहीं। अब सेक की बात करते हैं, 1, 23, 2, 2, अनंत। अंडर रूट की बात करते हैं 30 में 3 के और 60 में 3 के, जो कि 3 नहीं है, और 45 में 2 के। अब कोसेक की बात करते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक। अनंत 2, 2, 23, 1। अंडर रूट की बात करते हैं तो 60 में 3 के और 30 में 2 के, 30 में 3 के जो कि नहीं है, और 45 में 2 के लगाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है।